हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलीकॉप्टर में बैठकर आएगी दुल्हन, पिता व माँ का सपना। बेटा दुल्हन को हेलीकॉप्टर में बिठाकर लाए, मांगी परमिशन। बाड़मेर शहर का दूल्हा दुल्हन को रेगिस्तान के धोरों से हेलीकॉप्टर में लेकर आएगा। इसको लेकर दूल्हे के पिता ने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। जिला प्रशासन ने अलग अलग विभागों को पत्र लिखकर परमिशन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दूल्हे के पिता व माँ का सपना है कि मेरी बहू हेलीकॉप्टर में बैठकर ससुराल आए। दरअसल शहर की मंसूरिया कॉलोनी निवासी दिलाराम पन्नू बेटे की शादी डालूराम निवासी बिड़ानी चौहटन की पुत्री दिया के साथ 13 दिसंबर को है। उसी दिन बारात कार व गाड़ियों से बिड़ानी गाँव जाएगी। 14 दिसंबर को सुबह 9 बजे दूल्हा दुल्हन को हेलीकॉप्टर में बैठाकर बाड़मेर शहर लेकर आएगा। दूल्हे के पिता दिलाराम का कहना है कि मेरा इकलौता पुत्र है और मेरे बेटे की शादी को यादगार बनाना चाहता हूं। पत्नी पार्वती का सपना था कि बेटे की बहू को हेलीकॉप्टर में बैठाकर घर लेकर आए। दूल्हे के पिता माँ वो टीचर है। दूल्हे के पिता दिलाराम पन्नू का कहना है कि हेलीकॉप्टर को लेकर जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। जिला प्रशासन ने नगर परिषद, स्वास्थ्य विभाग, PWD, पुलिस प्रशासन को पत्र लिखा है। इसमें से नगर परिषद और स्वास्थ्य विभाग के नियम अनुसार फायर ब्रिगेड व एम्बुलेंस में स्टाफ के लिए राशि जमा करवा दी है। हेलीपैड के लिए बाड़मेर के जसदेव धाम के पास में खाली जमीन है, वहां पर उतारने के लिए बताया गया है। इस जगह पर पहले भी हेलीकॉप्टर उतरे हुए हैं। वहीं चौहटन उपखंड के बिजराड़ बिड़ानी गाँव के खेत में हेलीपैड बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। हेलीकॉप्टर कंपनी से भी बात हो गई है। फायर ब्रिगेड प्रभारी ओम प्रकाश गोसाई के मुताबिक बिजराड़ व बाड़मेर शहर में 2 जगहों पर हेलीपैड पर फायर ब्रिगेड गाड़ियां खड़ी रहने के लिए नियम अनुसार राशि जमा करवा दी गई है। बाड़मेर शहर में 1 घंटे व बिजराड़ में 3 घंटे तक फायर ब्रिगेड गाड़ियां खड़ी रहेंगी। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकुर मेघवाल की रिपोर्ट।